सफर का। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ इफ्तार स्पेशल मालपुआ, रबड़ी मालपुआ। तो रबड़ी मालपुए के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रबड़ी बनाएंगे। तो इस तरीके का एक खुले मुंह का बर्तन या कढ़ाई जो भी आपके पास है वो लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध रखा है गर्म के लिए। हम 1 लीटर दूध की मैं रबड़ी बनाने जा रही हूँ। तो 1 लीटर को हम इतना पकाएंगे कि ये 1.25 लीटर या 1/2 लीटर रह जाए, इतना हमें। और यहाँ पे ये मैंने भैंस का दूध लिया हुआ है, तो इससे गाढ़ी मलाई और रबड़ी भी गाढ़ी आती है। आप पैकेट का मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बेड़े का, मेरा मतलब है मैं भैंस का दूध, तबेले का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी रबड़ी थिक बनेगी क्योंकि इसका दूध गाढ़ा रहता है, मलाई भी इसकी थिक बनती है। तो इसे थोड़ा सा अभी हम चला लेंगे। काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके साथ। इतनी अच्छी इफ्तार रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अभी इसे हम बॉईल होने देते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट बता। देख सकते हो कि यहाँ पे दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पतली पतली जो मलाई दिख रही ना, झिल्ली मलाई की ये पतली पतली जो मलाई दिख रही ना, इसको हम इस तरीके से साइड पे लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से साइड पे लगाते जाएंगे सारी मलाई को। ये जितनी मलाई आती जाएगी इसमें, उतनी ये मलाई को हम साइड में करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लार लिया है 2 कप। ये मेरे चाय के कप का मेजर से मैंने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लार लिया है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, एकदम आसान तरीके से, और कोई चाशनी वगैरह बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। बहुत सिंपल, जो जल्दी झटपट हो भी जाए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें मिल नहीं रही है, तो बनाना भी है अच्छा कुछ टेस्टी, और लॉकडाउन भी है तो वो हिसाब से मैं बना रही हूँ। आपको बहुत आसान हो जाएगा बनाने में। यहाँ पे मैंने ये पीसी हुई शुगर ली हुई है, पीसी हुई शक्कर। तो यहाँ पे मैं शक्कर ऐड करूँगी अपने टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, आप कितना मीठा यहाँ पे पसंद करते हो। तो ये मैंने लगभग पूरा 3 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं ये जायफल का पाउडर, नटमेग पाउडर और कार्डमम पाउडर, यानी इलायची पाउडर शामिल करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, आधी मैं इसमें शामिल करूँगी, आधी हम रोक के रखेंगे। तो आधा मैं नटमेग इसमें शामिल कर रही हूँ और आधा कार्डमम पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, आधा हम रोक के रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके, एक चुटकी हम नमक भी शामिल कर देंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा या पानी आप ऐड कीजिए या दूध आप शामिल कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपको क्या शामिल करना है। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा दूध से मिक्स करूँगी, तो दूध शामिल करने जा रही हूँ। साइमल्टेनियसली हमको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे आते जाएंगे तो सब इसको साइड में करते जाएंगे। इस तरीके से पूरी मलाई को हम साइड में लगाते जाएंगे, एक तरफ करते जाएंगे मलाई को इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करके एक विस्क की मदद से इसे मिक्स करते जाऊंगी। ध्यान रहे, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल कीजिए। अगर आपको पानी शामिल करना है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स ना रहे इसमें। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, कोई लम्स भी नहीं है। तो अब मैंने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया है। ये फूड कलर शामिल करने से ना, बिल्कुल जो स्ट्रीट पे मिलते हैं ना मालपुए, जो हम दुकानों से लाते हैं, वैसी फीलिंग आती है। ये बग़ैर अंडे का मैं आपको बता रही हूँ, अंडे वाले भी मालपुए बनते हैं, एग्स वाले, लेकिन मैं ये यहाँ पर आपको बग़ैर अंडे वाला बता रही हूँ, झटपट बनने वाला।
ये जो चम्मच से मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, जब ये चम्मच का बैक साइड अच्छी तरह कोट हो जाए ना, इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है, जितनी हमको चाहिए उतनी है। तो चम्मच से चेक कर लीजिए। साथ में हम यहाँ पे मलाई भी साइड में करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये कुक हो रहा है और बीच बीच में इसे चलाते भी जा रहे हैं। तो दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, हाजिर दिमाग रख के बनाना है और इफ्तारी की तैयारी भी करनी है और झटपट बनाना भी है, तो वही चल रहा है बस। तो अब मैं इसमें पीसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर भी आप अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको मेजर करके शुगर ऐड करना है या मेजर करके दूध शामिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना ही उसमें शामिल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने शुगर शामिल कर दिया है और बचे हुए जायफल पाउडर और इलायची पाउडर, यानी कि नटमेग पाउडर और कार्डमम पाउडर शामिल कर दिया। जायफल पाउडर ज़रूर शामिल कीजिए और उसके बाद आप देखिए इसका जायका कितना अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। ये मेरे स्टाइल का मालपुआ मैं बता रही हूँ आपको, बग़ैर अंडे का। इंशाल्लाह अंडे वाला भी मालपुआ मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, करारे बनते हैं साइडों से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई है। तो ये जो साइडों पे हमने जितनी भी मलाई लगा के रखे थे ना, वो धीरे धीरे करके पूरी मलाई को स्क्रेप कर लेंगे और दूध में शामिल करके मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको फैटना हो बीटर से तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी मलाई फिर मिक्स हो जाएंगे और मुझे चाहिए लच्छे, वो लच्छे नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए जो लच्छे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लच्छे रबड़ी में नज़र नहीं आएंगे। और ये जैसे जैसे अभी इसे हवा लगते जाएगी, ये जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, ये और थिक बनते जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रबड़ी में शामिल कर दिया है कटे हुए पिस्ते और बादाम। यहाँ पे कटे हुए पिस्ते और बादाम भी आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतना डाल सकते हैं रबड़ी में, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल और घी दोनों शामिल कर दिया है। लोग घी से भी बनाते हैं, ऑयल से भी बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों ले रही हूँ, ऑयल और घी दोनों ले रही हूँ। और एक लैडल, एक चम्मच का मेजर लेके बस मैं एक एक चम्मच तेल गरम होते ही कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। और देखिए कितना सुनहरी कलर आ गया है। और एक तरफ रोक के इसका पूरा ऑयल निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुनहरी कलर आ गया है, कितने बेहतरीन लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्राई होने के बाद। बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई करके रेडी कर दूँगी। ये दूसरा लैडल भी मैंने डाल दिया यहाँ पर। हाथ हिलाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में आपको हाथ डाल, जो चम्मच आपने उठाया और तेल में छोड़ा ना, तो उसके बाद आपको हाथ हिलाना नहीं है, बस वही डायरेक्शन में हाथ रखना है। आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए। ये हो गया, अब इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे जैसे कि फर्स्ट बैच किए थे। ये देखिए मैंने सारे फ्राई करके मालपुए रेडी कर दिए। इसमें कोई शेप नहीं रहता है, तो शेप का कोई मसला नहीं रहता है, इसके जैसे भी शेप है आ जाते हैं। ये देखिए बीच से अंदर से कितने सॉफ्ट है और किनारियों से देखिए कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे बने हैं। तो ये इसकी निशानी है कि मालपुए हमारे बहुत अच्छे बने हैं। ये जो साइडों से करारे दिख रहे हैं ना, कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी वो, और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो अब ये यहाँ हो गया है, तो चलिए अब इसे सर्व करने की टाइम आ गया है। तो इफ्तार के लिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए निकाला है, मैं दो दो करके प्लेट में डालते जाऊँगी। ये देखिए दो लाइन कर दी है मैंने, और अब हम इस पे अपनी बहुत ही लजीज रबड़ी जो बनी है लच्छे वाली, वो अब हम इसमें लगाएंगे। जितनी आपको रबड़ी खाना है, जितनी आपको रबड़ी पसंद है आप डाल सकते हो। मैंने इस मलाई को फेटा नहीं है, फेटने से पूरी मिक्स हो जाएगी वो, इसके लिए मैंने फेटा नहीं है। लोग फेट भी देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, खाते वक्त इसके लच्छे भी ज़बान पे मुंह में आना चाहिए रबड़ी के, तो उसका रियल जायका निकल कर आता है कि वाकई में हम रबड़ी मालपुआ ही खा रहे हैं।
जब तक उसका जायका निकल के नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आता है। और ऊपर से आप कटे हुए बादाम पिस्ते बारीक चॉप करके शामिल कीजिए। और ये रेसिपी इस इफ्तार में रमज़ान में ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल को राहत किचन को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।